अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ 67 न्यूज़ HD के साथ सुहेल चतर। नाज़रीन, आज मैं यहाँ आप लोगों को लाहौर के अंदर एक ऐसी इनोवेशन दिखाने जा रहा हूँ पुराने ज़माने की, कि लच्छे बन रहे हैं। एक अंकल लच्छे बना रहा है एक लच्छे वाली मशीन के जरिए। तो आप देख सकते हैं ये हाथ से बन रहे हैं लच्छे, कोई मशीन से काम नहीं हो रहा। देसी लच्छे हैं, लोग मज़े से खा रहे हैं और ये बहुत सस्ते भी हैं। तो आए हम अंकल से खुद जानना चाहेंगे ये किस तरह ये कब से चला रहे हैं और ये इनका जो काम है तो ये कैसे चल रहा है। लोग इसकी तरफ तवज्जो होते हैं कि नहीं, क्योंकि आजकल मॉडर्न के दौर है, लोग मशीनी चीज़ें खाते हैं और देसी चीज़ों के लोग पसंद नहीं करते हैं। तो आए मैं यहाँ के लोगों से पूछना चाहूँगा कि उनका इसके बारे में क्या रुझान आता है। आ जाए। अच्छा भाई जान, इधर आओ, मुझे ये बताओ कि हम ये जो लच्छे खा रहे हैं, तो पहले दौर में मतलब पहले दौर के ये मतलब लच्छे पुराने ज़माने की ये मशीन है, तो इस दौर के अंदर अभी भी ये मतलब मशीन चल रही है, लोग इसकी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो भाई बात यही कहना चाहेंगे कि ये बहुत मज़ेदार होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा जी बना रहे हैं, बहुत नाने पापी हैं, बहुत कारीगर अपना रहे हैं, लोग इसे खा रहे हैं बहुत शौक से। जी तो मुझे ये बताओ कि हम बाज़ार से बने हुए खाते हैं वो पैक होता है, और उसके और इसके टेस्ट में क्या फ़र्क है? नहीं, उसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि ये तो हम अपनी आंखों के सामने तैयार होता देख, तो वो हमें नहीं पता कैसे तैयार होता है। तो आए मैं अंकल से खुद पूछना चाहूँगा कि वो मतलब देखें, ये आप देख सकते हैं कि अंकल ने कितना बड़ा लच्छा बनाया और येलो कलर का ये लच्छा। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि मतलब आपका मतलब अच्छा जी, ये जो आजकल आपने देखो कि लड़के टिकटॉक बनाते इस तरह की वो होती है फ्रेम होता है, मैं कहता हूँ। अच्छा जी, चाचा जी मैनू ये दसो, ये लच्छे तुसी कितनी देर तो बना रहे हो? मैं पुत्र जवानी जी बना रहा है पुत्र। जवानी तो बना रहे हो तुसी? नहीं तो ये तुसी लच्छा कितने दे देंदे हो? 10-20-30-40-50-100 ठीक हो गया। तो ये मतलब आप मशीन कितने सुबह कितने बजे निकलते हो और शाम कितने बजे आप घर जाते हैं? मैं पुत्र बुढ़ा बंदा, मैं शाम नहीं निकलना, वहाँ 7-8 बजे निकली जाए, 10-11 बजे घर चल जाए शाम। ते आज हूँ मॉडर्न दौर है, हूँ लोग इन चीज़ा नहीं खाते, तो घट ही खाते, क्योंकि हूँ तुम्हें पता मशीनी बच्चे ने सारा कुछ बर्गर बच्चे ने, वो ये चीज़ा खाते नहीं कि नहीं, रुझान है कि नहीं? इन्हों खाते शौक ने खाते बच्चे जा। अच्छा बड़े भी लोग खाते, बच्चे नहीं? बच्चे घट खाते, बड़े ज़्यादा खाते। वो कह रहे हैं कि बड़े ज़्यादा खाते हैं, बच्चे घट खाते हैं, यानी कि इन्हों लोगों का है रुझान। आप पूछ लेने के साथ भाई जाने खलोते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। अच्छा मैंने ये दसो, जो लच्छे खा रहे हो बचपन तो तुम खा रहे होने जे एवं अजकल थोड़े जो बच्चे होने ने वो ये लच्छे नहीं खाते, वो क्योंकि हम मॉडर्न दौर है, उन्हें मशीनी चीज़ा बन रही, मशीनी बर्गर ने सारा कुछ, तो अपने अजकल के बच्चे तो हम थोड़ा दौर एक ही फर्क सी, जी थी खुराक है देसी खुराक है, आप देसी खुराक तुम खाते सी, असं अजकल के लोग तो मतलब देसी खुराक नहीं लगती, तो हम तुम की फर्क महसूस करते जी? हूँ देसी खुराक राय नहीं गई अभी, हूँ तो बस आम फार्मी दी खुराक ने जो मसलन के बच्चे भी जड़े ने खाते हैं, बस पीता भी उन्होंने खराब रही ने इस तरह। नहीं तो अपना लच्छी टेस्ट है, चीनी नहीं टेस्ट आता, बस चीनी का यानी कि देसी तरीका है। हाँ, कोई केमिकल वगैरह नहीं, नहीं यार कोई काम, थोड़ी अखों के सामने तैयार हो रहा है, बिल्कुल आ गया, चीनी पाते हैं बस प्याज के साथ सारा जी। ठीक हो गया नाजरीन, मैंने यहाँ के लोगों से रिव्यू भी लिया, तो अंकल लच्छे वाले ने भी बताया कि वो बचपन से ये जवानी से यानी कि वो ये बना रहे हैं लच्छे, और वो शाम को निकलते हैं ये और लच्छे बना रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये छोटे बड़े नहीं, ये छोटे बच्चे ज़्यादा कम खाते हैं और बड़े बच्चे इसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जा होते हैं, बड़े लोग इसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जा होते हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकअल्लाह।